तो सुबह जने आज है हमारे पास प्योर ईवी की मोस्ट फेमस स्कूटी बाइक का रिव्यू हो चुका है। आपने नहीं देखा तो देख लेना। ये हो गई मोस्ट फेमस स्कूटी प्योर ईवी की ई प्लूटो 7G। ये वाला कलर काफी अच्छा लगता है, बाकी और बहुत सारे कलर्स में आते हैं, तो आप अपने हिसाब से देखो कितने सारे कलर्स एंड रेंज है, तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो और अपने पसंद का कलर आप ले सकते हो। साथ में अगर अपन फ्रंट से शुरू करें तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है गोल हेडलाइट, ये आपको LED मिलने वाली है। साथ में आप देखो क्रोम फिनिश में, आपको देखो साइड मिरर आपको यहाँ पे क्रोम फिनिश में मिलने वाले हैं, और ओवरऑल अगर अपन लुक देखो ना तो काफी अच्छा लुक आपको इसमें मिलने वाला है। पूरा का पूरा रेट्रो लुक, ओल्ड स्टाइल लुक, जैसे वेस्पा टाइप स्कूटी आते हैं ना, तो वैसा लुक दिया गया है, तो काफी अच्छा लगता है। तो कई लोग इस वाले लुक को काफी ज्यादा पसंद करते हैं, इसी लुक को प्रेफर करते हैं, तो कई सारी इलेक्ट्रिक ब्रांड भी आ रहे हैं तो इसी लुक पे जाते हैं और अच्छे लगते हैं। तो वैसा ही देखो प्लूटो है ओरिजिनल, ये भैया ओरिजिनल है तो अच्छा लग रहा है, बाकी कलर वगैरह भी बहुत शानदार लग रहा है। और बाकी शोरूम वगैरह की डिटेल्स मैंने दे दी हैं, तो आप जाओ विजिट करो, ऑफर्स का लाभ लो, बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स आ रहे हैं। आप जाओगे उनसे बात करोगे, आप ये भी कहोगे कि मैं वीडियो देख के आया हूँ, तो आपको बहुत सारे ऑफर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब बैक टू द रिव्यू। यहाँ पे आपको हेडलाइट मिल गई, हो गया इसका बात। यहाँ पे ये वाली बॉडी है, ये देखो आपको हार्ड फाइबर की मिलने वाली है, लेकिन इसमें आपको स्क्रैच वगैरह की दिक्कत नहीं होने वाली है, टूट फूट की भी दिक्कत नहीं होने वाली है। सेकंड चीज की अगर अपन बात करें तो इनका प्योर ईवी वालों का अलग से डेडिकेटेड आपको सर्विस सेंटर भी मिलने वाला है, तो ये काफी अच्छी बात है। आप जा आ सकते हो और सर्विस करा सकते हो, मतलब कहीं और नहीं जाना आपको सर्विस के लिए, आपको यहीं पे आपको सर्विस प्रोवाइड कर दी जाएगी। यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स वगैरह मिलने वाले हैं यहाँ पे, साथ में यहाँ पे देखो यहाँ पे पार्ट दिया गया है, तो देखने में ये मतलब लुक को एनहेंस कर देता है। यहाँ पे नंबर प्लेट के लिए जगह दी गई है। एक चीज और, ये हाई स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर है, तो इसका RTO चार्ज वगैरह भी लगेगा, मतलब रजिस्ट्रेशन आपको कराना पड़ेगा RTO से। यहाँ पे आपको एक क्रोम का पार्ट दिया गया है, ये काफी अच्छा लगता है। यहाँ पे मडगार्ड है, और एक चीज और आप देख लो ना, मडगार्ड और टायर के बीच में आप देखो गैप देखो ना, तो आप मड में भी इसको चला सकते हो। मड में भी चलाओगे तो यहाँ पे मिट्टी वगैरह नहीं फंसेगी, यहाँ पे सॉफ्ट रबर का इस्तेमाल किया गया, तो यहाँ पे धूल वगैरह ऑयल्स वगैरह आपको नहीं देखने को मिलेगा, मतलब आप साफ कर सकते हो इजिली। यहाँ पे देखो प्योर की ब्रांडिंग दी गई है, साथ में यहाँ पे अलॉयस वगैरह दिए गए हैं, तो यहाँ पे भी आपको ट्यूबलेस C8 के टायर ही मिलने वाले हैं, और ये मिलने वाला है आपको इसका टायर साइज। एक और एडवांटेज की बात करें तो यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक भी मिलने वाला है, काफी अच्छी बात है ना, मेरे को भी लगी थी। अब यहाँ पे साइड से देखो तो साइड लुक इतना मिलने वाला है, एक बार में कैप्चर नहीं हो पा रही, लेंथ काफी सही है गाड़ी की। यहाँ पे देखो आप ई प्लूटो 7G की यहाँ पे आपको ब्रांडिंग मिलने वाली है, साथ में यहाँ पे प्योर की ब्रांडिंग मिलने वाली है। सीट की क्वेश्चन देखो, काफी सॉफ्ट आपको सीट मिलने वाली है, और बूट स्पेस हम आपको दिखा रहे हैं अभी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको DRS का स्विच मिलने वाला है, हेडलाइट का स्विच मिलने वाला है, 1, 2, 3 तीन मोड मिलने वाले हैं, पार्किंग का मोड मिलने वाला है, और यहाँ से आप स्कूटी को स्टार्ट कर सकते हो। अपर डिपर का स्विच मिलने वाला है, हॉर्न मिलने वाला है, और यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स वगैरह भी मिलने वाले हैं। अब बात कर ले चाबी की, तो कहीं भी आपने नहीं देखा होगा इतनी सारी चाबियों का गुच्छा, ये सभी एक ही स्कूटी के साथ में मिलने वाली है। इसको आप चालू करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ब्रांडिंग आने वाली है, देख लो एक बार, ये पूरी ब्रांडिंग आएगी। बैटरी दिखाएगी, गियर बताएगी, जैसे आप सेकंड में डाल दिया, देखो ये सेकंड आ गया, थर्ड में डाल देते अपन, देखो ये थर्ड आ गया। पी दिखाएगी, इसको आप चालू करोगे एक बार प्रेस करोगे तो ये डी में आ जाएगी, मतलब चलने लगेगी ये, मतलब टोटल ट्रिप मीटर ऑडोमीटर कंप्लीट सेटअप इसमें आपको मिलने वाला है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। डिस्प्ले आप देखो ना तो ठीक ठाक आपको देखो विजिबल सही होने वाली है, धूप में भी आप देखो ना तो बढ़िया विजिबल डिस्प्ले आपको मिलने वाली है। साथ में यहाँ पे देखो सीट और हैंडल के बीच में गैप देखो ना, तो काफ़ी सही गैप मिलने वाला है, जैसे आप घर वगैरह काम रखते हो करते हो ना, तो यहाँ पे आप अपना सामान कोई भी बड़ा सामान भी आप यहाँ पे कैरी करके ले जा सकते हो। यहाँ पे देखो आप तो यहाँ पे ट्विंग हुक मिलने वाला है, मतलब यहाँ पे आप अपना सामान वगैरह टांग सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। साथ में नीचे की तरफ एक पार्ट मिलने वाला है, ये वाला, तो यहाँ वाले पार्ट पे आप अपना सामान वगैरह रख सकते हो, जैसे कि मैंने ये ओपन कर दिया इस तरीके से, तो यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख सकते हो, ये भी काफ़ी सही स्टोरेज इसमें आपको मिलने वाला है। इसको अपन ऐसे लगा देते हैं, और ये रही गाड़ी की चाबी, यहाँ पे आप देखो ना तो एंटी थेफ्ट अलार्म वगैरह भी कंप्लीट सेटअप मिलने वाला है, और चाबी आप देखो ना तो प्रीमियम फील होती है चाबी, देखो बढ़िया ग्लॉसी ब्लैक फिनिश है, यहाँ पे मैट ब्लैक फिनिश है, तो काफ़ी मतलब प्रीमियम सी फील होती है चाबी। अब इस वाले लुक की बात करें तो ये भी काफ़ी सही लगता है, मतलब ओल्ड स्टाइल लुक ही देने की कोशिश की गई है। यहाँ पे टेल लाइट मिलने वाली है, ये अपना ग्रैब हैंडल मिलने वाला है, ये देखो मेटल का ही मिलने वाला है, ये भी पूरा पार्ट मेटल का मिलने वाला है। यहाँ पे रेलिंग वगैरह लगाई गई है स्टील की, साथ में यहाँ पे आपको मोटर मिलने वाली है। अब मोटर की पीक पावर की बात कर लेते हैं, तो मोटर की पीक पावर होने वाली है 2 kWh, ठीक है। अब
इसकी रेंज की बात करें तो रेंज होने वाली है 100 to 120 किलोमीटर, मतलब 100 से 120 तक किलोमीटर, मतलब आसानी से गाड़ी चलेगी, तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। चार्जिंग टाइम 3 से 3.5 घंटे का होने वाला है। 12 डिग्री तक की आप खड़ी चढ़ाई इसमें कर सकते हो। और सबसे ज़्यादा एडवांटेज की बात करें तो ये होने वाला है आपका हाई स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर, और इसकी जो है टॉप स्पीड निकल आएगी लगभग 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आप गाड़ी को चला सकते हो। यहाँ पे भी आपने नोटिस किया कि नहीं किया, यहाँ पे देखो हैंडल बेल्ट दिया गया है, साथ में यहाँ पे आपको देखो प्योर ईबी की ब्रांडिंग दी गई है, तो काफ़ी अच्छी बात है। साथ में यहाँ पे खाली पार्ट मिल जाएगा, यहाँ पे डिस्प्ले मिल जाएगी, यहाँ पे भैया साइड मिरर मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ की, तो यहाँ पे आपको देखो फुटरेस्ट वगैरह कंप्लीट मिल जाएगा। अब एक बात कर लेते हैं अपन बूट स्पेस की, तो बूट स्पेस भी अपन खोल के देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे आप चाबी लगा के बूट स्पेस को ओपन कर सकते हो। यहाँ पे सीट के नीचे का पार्ट मिलने वाला है, यहाँ पे आपको एमसीबी स्विच मिलने वाला है गाड़ी को, मतलब जब आप धो देंगे ना गाड़ी तो इसको बंद कर सकते हो। साथ में आपको यहाँ पे 2.5 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी मिलने वाली है, आपको डिटैचेबल बैटरी मिलने वाली है, आप कहीं भी निकाल के ले जाओ, आराम से चार्ज करो फिर से इसमें लगा दो, ये काफ़ी अच्छी बात गाड़ी में होने वाली है। बाकी डिटेल्स वगैरह शोरूम की सब मैंने प्रोवाइड कर दी हैं, आप जाओ वहाँ पे विजिट करो, गाड़ी देखो, बताओ उनको कि मैं वीडियो देख के आया हूँ, तो बढ़िया बढ़िया ऑफर का लाभ लो। ये हो गया कंप्लीट रिव्यू ई प्लूटो 7G का। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब, मिलते हैं वीडियो में, टाटा बाय बाय।